प्राचीन शिव मंदिर में मास्क लगाना हुआ अनिवार्य। कोरोना को देखते हुए मंदिर ट्रस्ट ने लिया बड़ा निर्णय। मुंबई से सटे अंबरनाथ की प्राचीन शिव मंदिर में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर हालांकि सरकार की कोई गाइडलाइन अभी तक नहीं आई है, सरकार की तरफ से कोई भी औपचारिक गाइडलाइन अभी तक जारी नहीं की गई, लेकिन शिव मंदिर ट्रस्ट की तरफ से यह निर्णय लिया गया है, यह गाइडलाइंस लाई गई है कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को मास्क लगाना और सैनिटाइजर का उपयोग करना जरूरी होगा। मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को मास्क लगाना होगा और सैनिटाइजर का उपयोग करना होगा। इसे इन दोनों ही चीजों को मंदिर के ट्रस्ट द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है। प्राचीन शिव मंदिर मुंबई से सटे अंबरनाथ में ये प्राचीन शिव मंदिर स्थित है, जहां पर अब बिना मास्क के एंट्री नहीं मिलेगी। अगर मंदिर में एंट्री चाहिए तो मास्क को जरूरी कर दिया गया है। अंबरनाथ प्राचीन, वहां पर वहां के हम पुजारी कोले समाज के अंबरनाथ गांव के, हम लोग ने पूरा वहां पर अभी सरकार का अभी तक तो कोई गाइडेंस आया नहीं है। फिर भी हम लोग ने, जैसे हम लोग टीवी पे देखते हैं, तो अभी मास्क कंपलसरी किया है भक्तगण के लिए, 5-6 फुट के बाद में जैसे लाइन भीड़ नहीं होवे। और एक्चुअली वहाँ पर ज़्यादा भीड़ डेली नहीं रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा सोमवार को 200-400 लोग रहते हैं, बाकी डेली वहाँ पर बहुत ज़्यादा जगह है, तो कोई तकलीफ नहीं है डेली के लिए। मास्क तो हम लोग ने अभी कंपलसरी किया है और डिस्टेंसिंग 5-5, 6-6 फुट पे गोल राउंड मार दिए है। तो और ज़्यादा भक्त, अगर मैं ऐसे भी बोला कि सोमवार को ही ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा माना 100-200, और ऐसे डेली में कुछ ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, 10-10, 5-5 लोग आते हैं, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है शिव मंदिर के लिए। भक्तगण अभी जब भी पुराना शिव मंदिर में आएंगे तो उनको मास्क लगा के आना है, सैनिटाइजर हमने रखा है, सैनिटाइजर से हाथ साफ करना है, और फिर उसके बाद में ही शिव मंदिर में अंदर प्रवेश करना है।